अगर आपको सेंटोसा आइलैंड जाना है तो उसके लिए पहले आपको हार्बर फ्रंट वीवो सिटी मॉल तक जाना होगा। और भाई हायाबुसा स्पॉटेड, भाई ये रहा यूनिवर्सल स्टूडियो का ग्लोब, सारे कैफे रिजॉर्ट और बीच भी काफी लंबा। सिंगापुर के लोगों को अगर मजे मारने होते बीच के तो वो सेंटोसा आइलैंड आते। शटल है, बेसिकली फ्री शटल है, यहाँ पे पूरे आइलैंड में चलती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और भाई ये तो और भी लाजवाब चीज बना रखी है भाई इन्होंने, इससे निकल रहा है ये और मिट्टी पे ऐसा लग रहा है। और भाई मछलियाँ बना रखी है, मतलब भाई स्टेशन का नाम है धोबी घाट। कॉफी विद दिस व्यू, amazing combination. What's up everybody, back again with the brand new video and I hope all of you are doing fabulous. आज है मेरा day 6 in Singapore और last day है आज, कल मेरी flight है वापस इंडिया। अभी time हो रहा है around 11:30 और आज मेरा plan है Sentosa Island जाने का। तो अगर आपको Sentosa Island जाना है, Universal Studio basically और beach, तो ये video आप पूरी देखना कि कैसे आप Sentosa Island जा सकते हो, वहाँ पे क्या क्या activities कर सकते हो। लेकिन एक problem ये हो रही है कि भैया सुबह से ही बारिश हो रही है, अभी भी ड्रिजलिंग हो रही है। तो अभी मैं अपनी कॉफी एंजॉय करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ नीचे। सो गाइज आई एम रेडी, अभी मैं जा रहा हूँ MRT स्टेशन। पहले मैंने सोचा था कि बस से जाऊंगा लेकिन बस फिर चेंज करनी पड़ रही है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर की वॉक पे MRT स्टेशन है। यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो है हार्बर फ्रंट तक की। अगर आपको सेंटोसा आइलैंड जाना है तो उसके लिए पहले आपको हार्बर फ्रंट वीवो सिटी मॉल तक जाना होगा, फिर वहाँ से एक मोनो रेल चलती है जो कि आपको सेंटोसा आइलैंड लेके जाती है। एज पर माई नॉलेज वो मोनो रेल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर हो गए भी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। जिन लोगों को नहीं पता सेंटोसा आइलैंड क्या, यूनिवर्सल स्टूडियो है जो कि वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सल स्टूडियो है, वहाँ पे बीच भी है, दोनों चीजें कवर करेगा। यूनिवर्सल स्टूडियो में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा वो मुझे नहीं पता, एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, पर बाहर तक तो जा सकते हैं, वहां जाके प्लान चेंज हुआ, मूड चेंज हुआ तो एक अलग बात। दो दिन पहले मैं हॉस्टल में दो लोगों से मिला था, कपल थे वो जर्मनी से, वो यूनिवर्सल स्टूडियो होकर आए थे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो आपको जो है वेटिंग जो है ना एक एक राइड के लिए 1-1 घंटे तक चली जाती है, कई बार वर्थ नहीं लगा वहां पे। और वो कह रहे कि अगर आपको लाइनें स्किप करनी है तो एक एक्सप्रेस पास आता है वो लो, तो नॉर्मल टिकट से जाओगे कोई फायदा नहीं है, आप 4-5 राइड भी नहीं कवर कर पाओगे। थर्सडे को जबकि वीकेंड में नहीं था और आज संडे, आज वीकेंड है तो थर्सडे को इतनी ज्यादा भीड़ थी तो आज सोचो क्या होगा। तो एक्सप्रेस पास लगभग 50-52 डॉलर्स का है, आई थिंक 98 डॉलर्स की यूनिवर्सल स्टूडियो की टिकट है, $150 बहुत ज्यादा होते हैं भाई। तो भाई प्लान में थोड़ा सा चेंज है, मैं जा रहा हूँ सेंटोसा आइलैंड पर MRT से नहीं, बस से जा रहा हूँ। मैंने अभी गूगल मैप पर लोकेशन डाली थी तो यहाँ से डायरेक्ट बस है, मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ तो यहाँ से डायरेक्ट बस है, बस नंबर है 145। यहाँ की मेट्रो में तो मैं बहुत घूम गया हूँ लेकिन यहाँ की बस में एक बार भी नहीं घूमा, तो आज बस का एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। इवन यहाँ पे बस जो है वो डबल डेकर भी होती है। अभी चलते हैं पहले बस स्टैंड तक, सामने ही है बस स्टैंड, रोड क्रॉस करके वो रहा सामने, यहाँ से दिख भी रहा होगा जहाँ पे बस रुकी हुई है। और भाई हायाबुसा स्पॉटेड, यहाँ पे हायाबुसा बहुत है, मतलब मैंने कल भी देखा था लेकिन ना आई थिंक यहाँ पे साइलेंसर वगैरह चेंज नहीं करवा सकते, आवाज़ वगैरह का मैंने अभी तक किसी भी स्पोर्ट्स बाइक में यहाँ पे आवाज़ नहीं सुनी है। ये रहा भाई बस स्टैंड, बस का वेट करते हैं, बस नंबर 145 लेवेंडर स्ट्रीट में। अगर आप हो तो यहाँ से आप बस से भी जा सकते हो, वरना MRT भी है, लेवेंडर स्ट्रीट की MRT उस तरफ है। मैं एयरपोर्ट से यहाँ पे आया था तो मैं लेवेंडर स्ट्रीट वाली मेट्रो से ही आया। ये रही 145 बस नंबर यहाँ पे आती है, अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि कौन कौन सी बसेज आती है यहाँ पे सब लिखा हुआ है, तो अपने को लेना 145, मेरे को जाना है हार्बर फ्रंट। तो देखते हैं कितनी देर में बस आ रही, भाई ये दिखा रहा है 1:13 पे आएगी बस, अभी 1:04 हो रहे हैं तो देखते हैं कितना एक्यूरेट है ये। यहाँ की बसेस में भी ये वाला कार्ड चलता है जो MRT स्टेशन पे मिलता है, यहाँ पे कैश नहीं दे सकते आप बस के अंदर, तो बस के अंदर भी टैप करोगे जब आप चढ़ोगे और जब उतरोगे तो टैप करोगे तो आपके इसमें बैलेंस होना चाहिए तो वो डिडक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये एक अच्छी चीज है। एग्जैक्ट 1:13 पे बस आ गई है, सामने खड़ी है, ये वाली नहीं रेड लाइट पे खड़ी है तो आ रही है, लेकिन यार डबल डेकर नहीं है यार, सिंगल है। बस से उतर के पहुंच गए हैं वीवो सिटी मॉल, $1.5 के आसपास कटे हो गए वहां से आने में। MRT से थोड़ा सा ही सस्ता है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा फर्क नहीं है बस और इसमें, $1.5 मतलब लगभग ₹100 के आसपास के टिकट, 40 मिनट के आसपास लग गए। यहाँ पे मर्सिडीज की कार्स डिस्प्ले हो रखी थी तो मैंने ऐसी प्राइस पूछा कि मेरे को पता है कि यहाँ पे कार्स वगैरह बहुत महंगी है तो मैंने एक बार सोचा प्राइस पूछता हूँ, तो ये सी क्लास खड़ी है
C180 इंडिया में है कि नहीं मुझे नहीं पता। 1,85,00,000 बहुत ज्यादा महंगी, इतने में तो इंडिया में एस क्लास आ जाती है। अच्छा मॉल है काफी बड़ा, एप्पल का स्टोर भी है यहाँ पे, यहाँ पे DJI का स्टोर भी है, तो मैं एक बार DJI का स्टोर देख रहा हूँ कहाँ पर है, उसके बाद सेंटोसा एक्सप्रेस पकड़ के चलेगी। भाई ये रहा DJI का ऑफिशियल स्टोर, ड्रोन के प्राइजेस पूछते हैं यहाँ। भाई प्राइस तो मैंने पता कर लिया है, काफी मतलब अच्छा प्राइस मिल रहा है यहाँ पे। फ्लाइम और कॉम्बो भी अवेलेबल है एक ही पीस है इनके पास, लेकिन इंडिया से काफी अच्छा प्राइस मिल रहा है। नीटू SEA जस्ट अभी लॉन्च हुआ है 1-2 महीने पहले, और फ्लाइम और कॉम्बो जो है वो यहाँ पे पड़ रहा है $650 का, और खाली ड्रोन अगर आपको चाहिए वो $500 का, और इस पे भी GST रिफंड है एयरपोर्ट पे 5.5%, 37,000 के आसपास का मुझे पड़ रहा है। 200 एक्सप्रेस जाने के लिए आपको Level 3 आना होगा, जो ऊपर है थर्ड फ्लोर पे, तो यहाँ से आपको मोनोरेल मिलेगी पूरा सेंटोसा एक्सप्रेस। अब टिकट का वहाँ पे देखना पड़ेगा यार क्या है, जहाँ तक मुझे पता है कि फ्री है, लेकिन यहाँ पे सेंटोसा टिकट भी लिखा हुआ है, क्या चक्कर है मुझे समझ नहीं आ रहा। वीवो सिटी स्टेशन से सेंटोसा एक्सप्रेस यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए टिकट का पूछता हूँ। तो भाई फ्री नहीं है, $4 की टिकट है, पहले फ्री था लेकिन अब दोबारा से उन्होंने लगता है $4 की टिकट रख दी है, और एक ही बार लेनी है, आने की कोई टिकट नहीं है, और कितना मर्जी भी आइलैंड के अंदर ट्रैवल करो उसे $4 के अंदर ही। म्यूजियम भी है, मेरे दिमाग से निकल ही गया। तो भाई ये टिकट ले लिया $4 की, इससे होगी एंट्री। जो कार्ड है मेरे पास जिसमें बस में ट्रैवल करता हूँ मेट्रो MRT में, अगर उसमें बैलेंस होता तो उससे भी हो जाता, लेकिन उसमें मेरा बैलेंस नहीं था और उसका टॉपअप जो था वो नीचे जाके करवाना था। ये आ गई भाई अपनी मोनोरेल, मोनोरेल के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 5 से 6 मिनट के आसपास हम पहुँच जाएंगे। भाई आपको यूनिवर्सल स्टूडियो आना है तो सबसे पहला स्टेशन पे आपको उतरना है मोनोरेल लेके, जो कि है रिजॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन, ये सबसे पहला ही स्टेशन पड़ेगा। यहाँ से उतरते के साथ ही इस तरफ जाएंगे तो यूनिवर्सल स्टूडियो आ जाएगा। आ चुके हैं यूनिवर्सल स्टूडियोस, वो ग्लोब देखना है कहाँ पे है, टिकट वगैरह देखते हैं आपको भी बताते हैं। काफ़ी अच्छा सा बना रखा है भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है आप देख ही रहे हो। भाई ये रहा वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सल स्टूडियो का ग्लोब, जहाँ पे अभी हम फोटो खिंचवाएंगे, और भाई भीड़ जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर एक बार टिकट देखते हैं। ये रहा भाई ग्लोब, काफ़ी बड़ा है भाई, सारे टिकटिंग काउंटर बना रखे हैं, तो लेट्स चेक एक बार, खाली इसका देखते हैं। वन डे टिकट अदर्स यूनिवर्सल, खाली यूनिवर्सल स्टूडियो का देखते हैं टिकट, ये $82 की टिकट है वन डे पास की, वही भाई ₹5,000 की टिकट हो गई सीधा सीधा, और ये एक्सप्रेस पास नहीं है, ये यूनिवर्सल स्टूडियो का वो है। जैसे कि एक्वेरियम है, ये एक्वेरियम की टिकट है आई थिंक $41 एक्वेरियम की है स्टैंडर्ड, एक्सप्रेस पास ये रहा यूनिवर्सल $70 का। $82 पहले टिकट लो, फिर $70 का एक्सप्रेस पास लो। टाइमिंग भी दिखा सकता हूँ, 11 से 6:46 हो चुके हैं, अब 3 घंटे के लिए मैं क्या टिकट लूँ, मन तो है मेरा जाने का लेकिन मैं लेट ही आया। नेक्स्ट टाइम सिंगापुर आऊँगा मैं, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जाऊँगा। $150 से भी ज़्यादा की टिकट पड़ रही है एक्सप्रेस पास के साथ, तो इतना सेक्रीफाइस करके मैं कुछ और ना ले लूँ जो कि मेरा किसी काम की चीज़ हो। मेरा मन बन रहा है कोई चीज़ लेने का, अगर मैंने ली तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अच्छा बहुत ज़्यादा हो गया ना, कि दो दो ट्रिपें हो गई यार, और कम से कम 25 दिन की ट्रिप है ये, और सिंगापुर आपको पता ही कितना महंगा, यहाँ पे भी मैं 1 हफ्ता रुक गया। कोई बात नहीं भाई, इस बार सेक्रीफाइस करते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो को, बीच पे चलेगा भाई, बीच पे टाइम स्पेंड करूंगा अच्छा खासा शाम तक का। भाई ये रहा यूनिवर्सल स्टूडियो का ग्लोब, जो कि डोप लग रहा है भाई इस टाइम। क्या है इस तरफ, वाटर पार्क है, पता नहीं क्या है, देख कर आते हैं। फिर वापस वही मोनोरेल लेके चले गए नेक्स्ट वाले, यहाँ पे डॉल्फिन आइलैंड वगैरह भी है। इस साइड तो गाइस वही है एक्वेरियम, सी एक्वेरियम, उधर कसिनो है। सेकंड वाले स्टेशन पर चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या है। वाले स्टेशन में बीच है, तो मतलब यहाँ पे 3 स्टेशन है, सबसे पहला यही है, और उसके बाद एक और आता है उसमें मेरे को इधर जस्ट इन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियो, वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो ग्लोब है, तो उसके साथ में ये ऐसी बनीज बना रखे है फोटोज वगैरह खिंचाने के लिए, और ऊपर सबसे बड़ा बनी है, तो भी अच्छा है, ठीक है, लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, फोटो सेक्शन हो रहा है, सबसे बड़ा वाला बनी। गाइस अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो आ रहे हो और आपका प्लान है कि अंदर जाने का, तो भाई मेक श्योर कि 10-11 बजे तक यहाँ पहुँच जाना। वैसे 11 बजे ओपन हो जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे के आसपास ही पहुँच जाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक दिन जाता है, मतलब 5-6 घंटे आपके कहीं नहीं जा रहे। तो अगर आप सोचोगे 1-2 बजे आके आप चले जाओगे, 6 बजे बंद हो जाता है। अगर मैं सुबह आया होता तो शायद एक बार को मैं अंदर चला जाता,
मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि मैं चला ही जाता, लेकिन शायद हो सकता था कि मैं चला जाता, क्योंकि मेरा मन था अंदर जाने का, क्योंकि भाई बहुत अच्छा है, मतलब देखा मैंने वीडियोज़ वगैरह में। लेकिन कोई बात नहीं यार, अगली बार चलेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी कंट्री में जा सारी चीज़ें एक ही बारी में एक्सप्लोर हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये एक अपने एक भाई मिल गया है, बनी भाई, इसको मैंने बोल दिया भाई सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए, तो ये अपने सारे दोस्तों को बोल देगा जितने भी है इसके सारे। ये तो कर रहे, आपने सब्सक्राइब किया अभी तक कि नहीं किया? नहीं किया तो भाई कर लो, बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। तो सिंगापुर जैसी कंट्री भी भाई मैंने बजट में ट्रैवल कर ली है, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई मैं जुगाड़ू तो बंदा हूँ। तो भाई सेकंड स्टेशन आ गया हूँ, इम्बाई स्टेशन, जो भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे देखना पड़ेगा क्या क्या, आई थिंक मैडम टिसॉर्ट जो है वो यहीं पे है, आई थिंक ये सारी एक्टिविटीज है यहाँ पे, केबल कार, मैडम टिसॉर्ट, ये वाला जो स्टेशन है यहाँ पे, यहाँ पे मैडम टिसॉर्ट, यहाँ उतरोगे, केबल कार लेनी है वो भी यहीं से है, और एक 4D करके कुछ है, मतलब यहाँ पे सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, जो भी आप टिकट्स वगैरह खरीद के कर सकते हो वो यहाँ से कर सकते हो। तो ये मेरा तो वही काम नहीं, ऊपर से हम इस आइलैंड पे स्टे भी कर सकते हैं, तो बाहर होटल और रिजॉर्ट्स वगैरह भी तो सारे क्वाइट ऑब्वियसली बात है महंगे हो गए, लेकिन अगर करना चाहो तो बहुत अच्छी जगह है वैसे स्टे करने के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ 20 स्टेशन, जो कि अगर लास्ट स्टेशन है वहीं पर बैठे अगर कुछ खाते हैं, और अपनी मोनो रेल भी आ गई है, तो अभी चलते हैं अंदर 20 स्टेशन के लिए। भाई फुल कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, कुछ और अट्रैक्शन बना रहे होंगे टूरिस्ट के लिए महंगी महंगी। भाई 20 स्टेशन भी पहुँच गया, मतलब सारे स्टेशन एक मिनट के अंदर अंदर सारे स्टेशन आ रहे हैं। तो यहाँ पे चलते हैं बीच में, क्योंकि बीच तो मुझे वैसे ही। भाई निकल चुका हूँ बाहर 20 स्टेशन से, भाई यहाँ पे काफ़ी कुछ है करने को, सारे कैफे, रिजॉर्ट, और बीच भी काफ़ी लंबा है, मतलब अच्छा खासा लंबा, 2-3 बीच पड़ते हैं यहाँ पे, सारा एक्सप्लोर करेंगे। ऑफ द टाइम यहाँ पे शाम में शो होता है, खाने पीने की दुकानें हैं, टिकटिंग काउंटर है, वही उसका ही जिसका मैं आपको बता रहा था शो होता है यहाँ पे। ऑब्वियस आइलैंड है तो थोड़ा सा महंगा ही होगा एज कम्पेयर टू सिटी। वगैरह स्टार्ट हो गई है, एक गेम $5 की, 3 गेम $10 की। बस सर्विस भी है, तो एक बीच तो ये रहा बिल्कुल सामने, तो यहीं चलते हैं, फिर आगे भी जितने भी बीच है सारे कवर करूँगा मैं, आराम से सनसेट देख के ही जाऊँगा वापस। स्वागत है आपका बीच में, यही बीच है भाई सिंगापुर का, इनके पास यही बीच है, यहाँ पे आओ मज़े करो। तो भाई ये है इनका दूसरा वाला बीच, उसी के आगे, मतलब कनेक्ट है पूरा वहाँ से वहाँ तक। सिंगापुर के लोगों को अगर मज़े मारने होते बीच के तो वो सेंटोसा आइलैंड आते, क्योंकि पूरे सिंगापुर में एक सेंटोसा आइलैंड के अंदर ही जो है बीच है, जहाँ तक मुझे पता है बने हुए हैं यहाँ पे, तो बियर वगैरह लोग पी रहे हैं बीच में, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब इन्जॉय करना है। वैसे वीकेंड है, संडे है, यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो, तो मैं भी यहीं बैठता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। बंजी जंपिंग भी हो रही है, आपको दिखाता हूँ, वो वहाँ से बंजी जंपिंग हो रही है, अभी तो फिलहाल तो कोई हो नहीं रही है। टिकट वगैरह पूछ के बताता हूँ कितने की, मैं तो नहीं करूँगा लेकिन टिकट पूछ। गाइस टिकट प्राइस जो था वो था एक बार जंप करने का $100, विच इज़ अराउंड 6,000। यहाँ पे हर एक्टिविटी महंगी है, पता नहीं क्यों। तो आपको कैमरा वगैरह नहीं था, अगर आपको मीडिया वाला चाहिए तो मेरे ख्याल से $39 और एक्स्ट्रा। अभी मैं जा रहा हूँ यार यहाँ पे 7-Eleven है आगे जाके, तो वहाँ से कुछ लेते हैं खाने वाने के लिए, पीने वगैरह के लिए, फिर बैठते हैं बीच पे। फर्स्ट टाइम मैं बैठ गया हूँ। शटल है बेसिकली, फ्री शटल है यहाँ पे, पूरे आइलैंड में चलती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, $4 की टिकट है, वही इंक्लूड है, मतलब टिकट में देख नहीं रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे छोड़ दिया भाई। मैं जस्ट वहीं पीछे से ही बैठा था यार, मुझे लगा थोड़ा आगे तक जाएगी, एक मिनट में छोड़ दिया इसने, वहीं जब वापस जाऊँगा तो इसी से जाऊँगा। अभी यहाँ पे आ गया 7-Eleven है, वहाँ चलो। ये रहा भाई 7-Eleven से ये दो चीज़ें खरीदी, एक पोटैटो चिप्स और एक ये सोया मिल्क। बेसिकली मुझे बॉटल चाहिए थी, क्योंकि पानी यहाँ पे है वैसे नहीं पी सकते, आपको बॉटल में रिफ़िल करना है। बेसिकली जो पानी की वाटर बॉटल थी वो $2 की थी, और ये भी सेम $2, तभी मैं ये पी के इसमें पानी भर लूँगा। और ये चिप्स है ये $1.90 के, अप्रॉक्सीमेटली मान लो $4 का सामान आया। और यार बियर वगैरह भी थी काफ़ी सही, मतलब कुछ बियर डील्स में भी थी, एवरेज लगा लो $10 दो बियर के कैन का। भाई आपको ये मछलियाँ दिख रही है, छोटी छोटी सी, इतनी सारी। टाइम जो है 7 बजने वाले है, और टाइम लैप्स तो यार मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया सनसेट का, क्योंकि सन दिखाई नहीं, बादलों के पीछे छुपा रह गया। बढ़िया बीच है, लेकिन लंकावी का बीच ज्यादा बढ़िया था, वो बड़ा भी बहुत ज्यादा था ना, ये इतना बड़ा नहीं है। इतना खूबसूरत लग रहा है ना इस टाइम पे बीच, इन्होंने लाइटें ऐसी लगा रखी है, भी चल रहा है, और अब देखो लाइट भी बंद हो गई, जैसी मैंने बोला लाइटें लगा रखी है, सब जगह ही बंद हो गई। नहीं नहीं नहीं, जल गई भाई, जल गई। वाइट बीच है भाई, कोई भी नहीं है अभी इस टाइम यहाँ पे, बस आराम से
चिल कर रहे हैं लोग, और इस बीच पे भी आप बियर वगैरह पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यार स्मोकिंग अलाउड नहीं है, स्मोकिंग सिर्फ एक जगह बना रखी है, बस वहीं पे आप कर सकते हो। सिंगापुर ना बिल्कुल भी स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करता है, तो इसी वजह से मैंने ये देख लिया कि यहाँ पे सिगरेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और भाई ये तो और भी लाजवाब चीज़ बना रखी है भाई इन्होंने, इससे निकल रहा है ये और मिट्टी पे ऐसा लग रहा है। और भाई मछलियाँ बना रखी है, मतलब ये जा रही वेल, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। क्या आइडिया है यार, हर बीच में होना चाहिए ऐसा। लगभग 9 बज रहे हैं, तो बस अब सोच रहा हूँ कि चलता हूँ वापस, काफ़ी देर बिता ली यहाँ पे, काफ़ी मज़ा भी आया, सनसेट वगैरह सारी चीज़ें देखी, बीच वगैरह। तो ये वापस आ गया भाई मोनो रेल की तरफ, अब यहाँ से वीवो सिटी मॉल यही लेके जाएगी, और फिर उसके बाद वीवो सिटी मॉल में 2-3 चीज़ें देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो चलते हैं डिनर करने के लिए, कुछ नॉन वेज ही खाऊँगा। अभी जा रहे हैं, इस टाइम तो लंबी सी लाइन लगी हुई है, तो चलो कोई नहीं, लाइन में ही लगता है। जाते हुए एक बार मैंने सोचा कि यूनिवर्सल स्टूडियो ग्लोब जो है वो देखते हुए चलते हैं, ये रात का टाइम हो रहा है तो लाइटें वगैरह चल रही होगी उसमें, और कैसीनो भी है तो एक बार वहाँ पे भी चल के देखते हैं। कौन सा भाई रोज़ रोज़ आना है, अब अगली बार कब सिंगापुर की ट्रिप लगेगी कुछ आइडिया भी नहीं है भाई। यहाँ तो फुल सन्नाटा है, मैंने सोचा लाइटिंग वाइटिंग जल रही होगी ग्लोब के पास भाई, पर कोई लाइटिंग वाइटिंग नहीं है, बंद कर देते हैं भाई 6 बजे के बाद ही। इवन अब ग्लोब जो है वो घूम भी नहीं रहा है, वो तक बंद हो गया है। मेरा भाई कैसीनो मेरे पीछे, एंट्री मतलब वही मिनिमम $150 का आपको लेने पड़ेगा चिप्स वगैरह, तो मैंने तो वैसे कौन सा जाना ही था, बस देखने आया था मैं। चलो अब वापस चलते हैं वीवो सिटी मॉल, देखते हैं कुछ अगर अपने काम का मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वापस बस पकड़ के या MRT पकड़ के अपने हॉस्टल MRT से जाऊँगा, क्योंकि मेरे कार्ड में वैल्यू भी नहीं है, तो उसको ऐड करने के लिए MRT स्टेशन ही जाना पड़ेगा मेरे को, वहाँ से लेके फिर लेवेंडर स्ट्रीट की डायरेक्ट मेट्रो है वो ले लेंगे। वॉफल्स की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना यहाँ से, ज़बरदस्त भाई। स्टेशन का नाम है लिटिल इंडिया, इस जगह का नाम बहुत सही रखा है जिसने भी रखा है, क्योंकि एक पूरा छोटा हिंदुस्तान बसा हुआ है भाई इस जगह पे। हिंदुस्तानियों को छोड़ के यहाँ पे कोई दिखेगा नहीं, मतलब दिखेगा तो लोग वैसे खैर, लेकिन दुकानें वगैरह खाने पीने रेस्टोरेंट भरे पड़े, इंडियन रेस्टोरेंट भरे, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट सब। ऐसे तो खाने की दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सस्ते से सस्ता खाना भी है और महंगे से महंगा खाना भी है। अभी मैं उतर गया था लिटिल इंडिया MRT से, अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, और हॉस्टल जाके सारा कैमरा वगैरह फ्रेश वगैरह आऊँगा, फिर डिनर करने के लिए आऊँगा। ये नज़ारा देख के बोल दे भाई कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, सिंगापुर में हूँ। तो ज़बरदस्त वाली भीड़ लगा रखी है इंडियंस ने, बांग्लादेशी और एशियन वालों ने, मैं बांग्लादेशी भी मिक्स है, इंडियन भी मिक्स है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, इतनी भीड़ लगा। भाई भर भर के 2 थैले पकड़ लिए है, सामान खरीद लिया है भाई, क्योंकि कल जा रहा हूँ मैं इंडिया। चॉकलेट्स क्या क्या लेकर आया था भाई, सबके लिए भर के चॉकलेट्स ले लिए। खाना खाने के लिए लिटिल इंडिया में आया हूँ, तो रोटी लेते हैं और सब्जी लेते हैं और खाना खाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी। The next morning. Guys, आज है next day और होप करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब इट इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और आने वाले टाइम पे मैं और कंट्रीज को एक्सप्लोर करूँ। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे किसी दूसरी वीडियो पे, जब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, थैंक यू, बाय।